हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के व्यू से। देखिए, जैसे कि हम हमेशा की तरह निफ्टी का व्यू लेते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए क्या होने वाला है। और पहले तो डेली वीडियो आ रहे थे क्योंकि मार्केट लगातार गिर रही थी या ऊपर जा रही थी, तो आपको बताना था कि मार्केट में तेजी हो रही है तो तेजी में रही है। क्योंकि तो गिरावट हो रही थी उस टाइम भी आपको बताया जा रहा था कि यहाँ पर बॉटम आउट हो चुका है, तो वही सब चीजें है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ कब जाएगा, क्या होगा, उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके की वीडियो डालें आपको मिले, आप सबसे पहले यहाँ पर सीख सके। एज वेल एज दोनों चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर और नितेश कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर डेली वीडियोज डाली जा रही है, सीखिए। सीखने के लिए कोई कुछ नहीं करना, सिंपल वीडियोस देखना है और हमसे सीखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर 1 अक्टूबर से क्लास शुरू होने वाली है, जहाँ पर बच्चों की फीस में लिटरली बच्चों की फीस भी उससे भी ज्यादा महंगी होती है, उससे भी सस्ते में आपको यहाँ पर क्लासेस दी जा रही है, जहाँ पर 4 से 6 महीने हम आपको लगातार, देखिए लोग आते हैं 7-7 दिन में पढ़ाते हैं और आपसे हाई चार्ज करते हैं। उस चीज का कोई मतलब नहीं रहता। 7 दिन में आप कितना सीख लेंगे, आप खुद सोचिए। जो चीज आप एक जॉब पाने के लिए यहाँ पर बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक करते हैं, फिर उसके बाद एक जॉब आपकी लगती है और आप सोच रहे 7 दिन में आप पढ़ के आप यहाँ पर मास्टर बन जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मास्टर बनने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, एक्सपीरियंस कर लेना पड़ता है और फिर उसके साथ साथ पढ़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पर 4 से 6 महीने की क्लासेस होगी, उसके बाद 6 महीने का हैंड होल्डिंग रहेगा, जहां पर हम आपको और भी अच्छे से चीजें यहाँ पर सिखाएंगे। जहां पर हम बात करेंगे स्टॉक पिकिंग कैसे करते हैं, रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारे ऐसी साइट्स आपको बताएंगे जहां पर आपका वो आधा काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पर आप चाहे तो हमें इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करिए, बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है। बिलीव मी, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है सब मैंने उस पर्टिकुलर कोर्स में झोंक दिया है, उन पीपीटीज में झोंक दिया है जो मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से, एक एक करके, एक एक चुन के। और भी बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग द मार्केट, जब हम यहाँ पर क्लासेस आएंगे, आप आएंगे तो उस टाइम बहुत सारी चीजें से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी ट्विटर पे फॉलो करिए क्योंकि ट्विटर पे हम यहाँ पर चीजें डालते रहते हैं। एज वेल एज यहाँ पर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। डो जोन्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.19% का यहाँ पर जंप था। जब यहाँ पर इतना बड़ा जंप था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो मार्केट है वो भी यहाँ पर जंप के साथ ओपन होने की पूरी गुंजाइश रखता है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो हमारे साथ है तो यहाँ पर आप समझिए आधा काम आपका आसान हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गिरती हुई नजर आई बट एक संभलती हुई नजर आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही जहाँ पर ये क्लोज हुई है ना, उसी के आसपास यहाँ पर क्या था, एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आ रहा था। तो वहां पर ही इसने यहाँ पर टच किया, टच करके ऊपर गया, तो ये छोटा सा सपोर्ट था, वो इंट्राडे के पर्पज से था एंड नथिंग एल्स। और बात करें यहाँ पर और चीज की, तो ऊपर के टाइम पे रेजिस्टेंस देखिए सबसे पहले ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दो बार यहाँ पर होल्ड कर चुका है, तो दूसरी बार ये शायद यहाँ पर अब कोशिश करेगा ऊपर जाने की। और हो सकता है कि यहाँ पर टच करे, लगभग लगभग कितने पॉइंट का यहाँ पर जंप है, तो लगभग यहाँ पर 150-200 पॉइंट का जंप है, तो ये जंप यहाँ पर आ सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रही है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर डबल टॉप, डबल टॉप का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा, जो ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, बट एक रेजिस्टेंस दोबारा सामने नजर आता है, ये वाला 18,101। तो ये दो रेजिस्टेंस है, इसकी तरफ नजर रखिए। जैसे यहाँ पर ये क्रॉस होगा तो सीधे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसे ये क्रॉस करना है 18,356, फिर इसके बाद यहाँ पर इसे क्रॉस करना है 18,600। इन दोनों लेवल को इसने यहाँ पर से क्रॉस किया तो मार्केट में एक तेजी होती हुई दिखाई देगी, नया हाई बनता हुआ दिखाई देगा, जिससे रिलेटेड हम पहले भी बात कर चुके हैं क्या, कि यहाँ पर जो ये टारगेट है ना, वो टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। और देखिए यहाँ पर एक चीज होती हुई दिखाई दी है, अगर किसी ने गौर फरमाया हो तो यहाँ पर एक कप और एक हैंडल का फॉर्मेशन भी बन रहा है, जिसके हिसाब से अगर हम टारगेट देखेंगे तो अच्छे खासे टारगेट हमारे नजर आते हैं 20,735 के आसपास के। तो मुझे लगता है अब ये टारगेट अचीव होते हुए आपको जल्द ही यहाँ पर नजर आते हुए दिखाई देंगे। बट जैसे कि कोई भी मार्केट लगातार ऐसे गिरा नहीं था, यहाँ पर कंसोलिडेशन एज वेल एज इसने लोज लगाते हुए नजर आया था, इसी तरीके से अब हायर हाइस तो लगा ही रहा है, साथ में हायर लोज भी साथ में लगाता हुआ नजर आएगा और चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो ये आपको इसी चीज पे यहाँ पर ध्यान देना है। तो निफ्टी 50 से रिलेटेड आपको इस तरीके से बातें करनी है, इस तरीके से अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है
और इसी तरीके से यहाँ पर काम करना है। और बात करें यहाँ पर निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक जैसे कि मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी कह रहा था, ये इसमें तेजी नजर आती है। ओके, और ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, इस ट्रेंड लाइन के ये ऊपर जा चुका है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। एज वेल एज इसने क्या बनाया है, ये स्पिनिंग टॉप बनाया है। ओके, और जब भी इस तरीके का स्पिनिंग टॉप बनाता है तो दो चीजें होती है, या तो ऊपर का हाई निकाले या नीचे का लो निकाले। तो अगर इसने हाई निकाल दिया तो अगला स्टॉप इसका ऑल टाइम हाई के पास जाके रुकेगा। ओके, यहाँ पर आके ही रुकेगा, ये है इसके लिए अगला रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं है। इसका हाई निकाला और अगला रेजिस्टेंस की तरफ यहाँ पर ये पहुंचता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये हाई निकला। और अगर यहाँ से गिरता है तो यहाँ पर हमें सपोर्ट नजर आता है दो जगह, एक तो 40,144 रुपए के आसपास, सॉरी पॉइंट के आसपास, और एक यहाँ पर 39,850 के आसपास, और सबसे अच्छा स्टॉप लॉस 39,000 अगेन। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। सबसे पहले स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा, अगर ये तेजी होती है मार्केट में ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस यही डिसाइड करिएगा सबसे पहले यहाँ पर। ओके, तो ये सारी की सारी आपके लिए निफ्टी बैंक के लिए है। इसके अलावा हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 100 की। ऑब्वियसली बात है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि निफ्टी से ज्यादा तेज निफ्टी मिड कैप भागता हुआ दिखाई देगा, और स्मॉल कैप भी अब भागता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि स्मॉल कैप उतना कंपैरिजन में भागा नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आके ये खड़ा हो गया है। हो सकता है कि यहाँ पर टच करके चीजें थोड़ी सी यहाँ पर नीचे आए। ओके, दोबारा यहाँ पर 31,857 के आसपास का लेवल दोबारा देखे, बट अगर ऐसा होता है और मार्केट में इस तरीके से गिरावट होती है तो इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया कप विद हैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आएगा, जहां पर चीजें और बेहतरीन नजर आएगी। देखिए अभी भी यहाँ पर देखिए कप और हैंडल का ये फॉर्मेशन बना था, उसके बेसिस पर भी टारगेट देखिए लगभग 37,800 के लगभग यहाँ पर टारगेट बने थे। तो आपको निफ्टी मिड कैप पे भी ध्यान देना है। जब सारी की सारी चीजें आपके फेवर में हो तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको होल्ड करके बैठनी है चीजें। अच्छी चीजों में बैठे रहिए, पैसा अपने आप बनता रहेगा। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप देखिए धीरे धीरे अपने लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है 1000 का, 1083 का। ओके, शायद चीजें यहाँ पर आके थोड़ी सी नीचे आ सकती है। ओके, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी जहाँ रुका है वो भी एक रेजिस्टेंस था, तो थोड़ी सी यहाँ पर नीचे आ सकता है, बट यहाँ पर घबराइएगा मत। ओके, सपोर्ट की बात करें, अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट ये नजर आता है, और चीजें यहाँ से निकली तो सीधे यहाँ पर 11,000 के आसपास जाएगी। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस पे यहाँ पर अपनी रिसर्च करनी है। और निफ्टी आईटी भी हमने आपको बताया था कि निफ्टी आईटी में तेजी नजर आती है, तो निफ्टी आईटी भी अब धीरे धीरे भाग रहा है, तो आईटी शेयर्स की तरफ आपको ध्यान देना है। ये वाला लेवल निकला तो अच्छी खासी तेजी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके टारगेट 34,713 के आसपास है, तो निफ्टी आईटी में तेजी दिखाई देती है। तो इसी तरीके से दूसरे इंडेक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए, और सब चीज ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली बात है मार्केट को भी ऊपर जाना है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे इस कोर्स के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।